हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लैंड सो फ्रेंड्स क्या आप भी अपने बेली फैट से बहुत ज्यादा परेशान है खासकर हमारा जो निचला पेट होता है निचली बेली जो होती है वो बहुत ज्यादा फूली हुई सी होती है जो कि देखने बाहर निकली हुई सी होती है जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है तो आज मैं आप लोगों को फुल एक रूटीन बताऊंगी आपको सिर्फ एक पानी है जिसे आपको उबाल कर पीना है कब पीना है कैसे पीना है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं इस पानी से और आपका बेली फैट कम करने में कितना मदद कर सकता है सारी चीजें आज इस वीडियो में बताऊंगी साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा एक डाइट शेयर करूंगी जो कि आपका बेली फैट कम करने में आपको मदद करेगा और साथ ही साथ सिर्फ दो एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपके जो लोअर बेली का फैट होता है खासकर बेली का फैट पे आपका असर करेगा और जो वेट लॉस ड्रिंक मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ ये आपके फुल बॉडी में अगर फैट है तो फुल बॉडी का फैट तो लॉस करेगा ही जिन लोगों की अस्सी नब्बे किलो वजन हो गया है बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है वो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही और जो लोग सिर्फ बेली के फैट को कम करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का ड्रिंक बहुत ज्यादा फायदेमंद है बहुत असरदार है और अरे विश्व में पी जाती है इसको वेट लॉस या बेली के फैट को कम करने के लिए So friends, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वेट लॉस ड्रिंक बता देती हूँ कि कौन सा वेट लॉस ड्रिंक आपको पीना है कब पीना है और किस तरह से पीना है उसके बाद मैं आपको पूरे दिन का एक डाइट बताऊंगी बस इस डाइट में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई मीठी चीज नहीं खानी है आपको कोई तला भुना फ्राइड चीज नहीं खाना है और चावल और रोटी की मात्रा आपको थोड़ी कम रखनी है बाकी आप सब्जी दाल फिश एग चिकन या जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग पनीर छोजमा दाल वगैरह इन चीजों को अपने खाने में ज्यादा इस्तेमाल करना है तो बस इन बातों का ध्यान रखना है दो एक्सरसाइज मैं ड्रिंक बताने के बाद आप लोगों को शेयर करती हूँ तो चलिए सबसे पहले ड्रिंक देख लेते हैं सो so फ्रेंड्स ये वेट लॉस ड्रिंक बनाने के लिए आपको चाहिए एक ग्लास पानी तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी ले ले लिया है वन ट्वेंटी एम यानी एक सौ बीस एम या फिर एक सौ पचास एम पानी आप ले लीजिए और ये देखिए ये है अनवेदा का ग्रीन कॉफ़ी यहाँ पे मैंने ग्रीन कॉफ़ी ली है ग्रीन कॉफ़ी वज़न घटाने में बहुत अच्छे से मदद करता है क्योंकि इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो कि हमारा वेट मेंटेन करने में हमको मदद करता है हमारे भूख को कम करता है इसीलिए इसे लंच या डिनर से आधे घंटे पहले लेना बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर मैंने इस पानी में एक चम्मच अनवेदा का ग्रीन कॉफ़ी जो है मिक्स कर लिया है अब इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है तो इसमें अब मैं उबाल आने दूंगी तो जब इसमें एक या दो उबाल आ जाए तो उसके बाद आपको जो है गैस ऑफ कर देनी है और इसके बाद इसको छान लीजिए एन वेदा का ग्रीन कॉफ़ी जो है बहुत ही अच्छे से आपका वेट मेंटेन करने में मदद करेगा आपके भूख को कम करेगा साथ ही साथ पेट शरीर में जमी हुई चर्बी को पिघलाने में भी मदद करता है तो रेडी हो गया है मेरा ग्रीन कॉफ़ी अगर आप चाहते हैं तो इसमें नींबू और शहद भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए इसके बाद बस इसको आपको अपने लंच और डिनर से आधे घंटे पहले पी लेना है तो मैं अक्सर अपने लंच या डिनर से आधे घंटे पहले एक कप ग्रीन कॉफ़ी इसी तरह से मैं पी लेती हूँ तो ये मेरे भूख को थोड़ा कम करता है मेरी भूख को कंट्रोल में रखता है मेरे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है एनवेदा एनवेदा का का ग्रीन का ग्रीन कॉफी। कॉफी वाकई में बहुत असरदार है जैसा कि मैंने आपको बनाकर दिखा दिया किस तरह से आपको इसे बनाना है और किस तरह से इसको पीना है बनाकर तो आपको क्या करना है अपना लंच या अपने डिनर लंच दिन में कम से कम दो बार आपको इसको पीना पड़ेगा तो दिन में कम से कम दो बार जब आप पीते हो अपने लंच और डिनर से पहले लंच डिनर से आधे घंटे पहले बस एनवेदा का ग्रीन कॉफी आप बनाकर पी लो इससे क्या होगा ये आपका वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी यानी आपका वेट सही रखने में आपको मदद करेगी आपके शरीर में जमी हुई चर्बी को पिघलाने में मदद करेगी आपके बेली फैट को पिघलाने में मदद करेगी साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिक रेट को सही करेगी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगी क्यों क्योंकि इसमें जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ग्रीन कॉफी में एक क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखता है हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है अच्छे से और खाना जो है जो भी हम खाते हैं उसको फैट में बदलने नहीं देता उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जिससे खाना बसा के रूप में हमारे शरीर में चर्बी बनकर नहीं जमती है वो ऊर्जा में बदल जाती है तो हमारे शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी निकल जाती है और हम स्लिम ट्रिम फिट रह सकते हैं और साथ ही साथ ग्रीन कॉफी अगर आप अपने लंच और डिनर से पहले आपकी भूख को कम करने में मदद करता है आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है आपकी भूख को कंट्रोल करता है तो जब आप खाने आ, आ, अपने लंच या डिनर से आधा घंटा पहले अपने एनवेदा का ग्रीन कॉफी अगर आपने पी लिया तो क्या होगा आप जैसे ही खाना खाने बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं रहेगा ये भी खा लू वो भी खा लू और दस पुड़िया खा लू और दस रोटियां खा लू ऐसा नहीं थोड़ा सा खाने से आपका पेट भर जाएगा जिससे आपका वेट बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा अगर आप इसको खरीदना चाहते हो एनवेदा का ग्रीन कॉफी अगर आपको खरीदना है तो एनवेदा का ग्रीन कॉफी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा अगर आपको खरीदना है तो आप वहां से का ग्रीन कॉफी परचेस कर सकते हो चलो मैं अब आप लोगों को एक डाइट बता देती हूँ कि आप क्या खा सकते हो और कितना खा सकते हो सो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में ओट्स लेना सबसे बेस्ट होता है तो आप यहाँ ओट्स की खिचड़ी बना सकते हो ओट्स का चीला बना ले सकते हो और साथ में एक या दो उबला हुआ अंडा आप बनाकर जो है ब्रेकफास्ट में खा सकते हो और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और या फिर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग पनीर के साथ सब्जियाँ डालकर ओट्स बनाकर इस तरह से ओट्स आप खा सकते हो या फिर फ्रूट्स के साथ और दही मिक्स करके भी आप ओट्स बनाकर खा सकते हो जो कि बहुत अच्छा होता है ब्रेकफास्ट में इसके बाद आती है लंच की बारी तो लंच से पहले आप ज़रूर से ज़रूर जो है ग्रीन कॉफ़ी आपको जरूर लेना चाहिए वो भी शायद और नींबू डालकर आप पी सकते हो अपने लंच से पहले ग्रीन कॉफ़ी को तो ये आपकी भूख को कंट्रोल करेगा जो भी आप लंच में खाओगे उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेगा तो लंच में आपको क्या खाना है लंच में आपको बिल्कुल छोटी कटोरी एक चावल लेनी है दाल लेना है सब्जियाँ काफ़ी सारा लेना है सलाद लेनी है उसके साथ और साथ में एग चिकन या फिश जो भी है ले सकते हो या फिर आप पनीर राजमा छोले वगैरह भी खा सकते हो लंच में और साथ में दही या रायता भी आप ले सकते हो शाम को चाय के साथ शाम को जो है आपको चाय की जगह आप ग्रीन कॉफ़ी लो साथ में रोस्टेड मखाना ले सकते हो शाम को रोस्टेड मखाने के साथ आप एक कप ग्रीन कॉफ़ी फिर से बनाकर पी लो चाहो तो आप इसमें जो है नींबू और शायद मिलाकर भी ग्रीन कॉफ़ी को ले सकते हो और इसके बाद आती है डिनर की बारी तो डिनर में कोशिश करो आप जैसे पनीर और को सब्ज़ियों के साथ थोड़ा सा सौटे कर लो और उसके साथ आप सिर्फ सब्जियां और पनीर को ही इस तरह से बनाकर खा लो आपको कोई रोटी या चावल रात को नहीं खाना चाहिए जो कि वज़न बढ़ा बढ़ा देते हैं इसीलिए और साथ में आप चाहो तो सब्जियों के साथ दाल बनाकर भी ले सकते हो आप दाल के साथ कोई भी दाल ले लो उसके साथ सब्जियां उबाल लो पालक वगैरह और भी जो सब्जियां होते हैं उबाल कर ऐसा दाल बना लो और उसे खा लो या फिर आप सूप वगैरह भी रात को ले सकते हो तो ये हो गया आपका डाइट मैं आपको बहुत ही आसान दो एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे इससे क्या होगा आपको मदद होगी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका फैट भी लॉस होता रहेगा तो चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं तो फ्रेंड्स बेली के फैट को कम करने के लिए सबसे अच्छा आसन होता है वुजंग आसन तो आपको इस तरह से लेट जाना है कोबरा पोज जिसको कि बोला जाता है तो आप अपने हाथों को कंधों के बराबर ही रखें और इस तरह से आप पहले लेट जाएं फिर धीरे धीरे मैं यहाँ थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड मोड मोड में आपको दिखा रही हूँ लेकिन आपको धीरे धीरे इसको करना है और इस तरह से आप जैसे सर ऊपर उठाने के बाद एक से दस तक आप काउंट कीजिए फिर धीरे धीरे अपने सर को नीचे रखना है इस तरह से इसको कम से कम बीस बार कीजिए और तीन सेट में इसको कीजिए तीन या चार के सेट में बीस बीस बार कीजिए कोबरा पोज बहुत अच्छा है बेली फैट कम करने के लिए दूसरा है फ्लैटर किक फ्लैटर किक में आपको इस तरह से लेट जाना है और पैरों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है बस थोड़ा सा ऊपर उठा के आपको इस तरह से पैरों को ऊपर नीचे करते रहना है दस बार कीजिए उसके बाद फिर पैरों को रख के थोड़ा रेस्ट लीजिए फिर दस से पंद्रह बार कीजिए इसे भी कम से कम आप चार या पाँच सेट में अगर आप इसको करते हो तो ये सीधा असर करेगा आपके बेली के फैट पर और बहुत तेज़ी से आपके बेली फैट को लॉस करने में मदद कर सकता है ये दोनों एक्सरसाइज आपको और कुछ नहीं करना है इन दोनों एक्सरसाइज को अगर आपने कर लिया तो ये बहुत असरदार तरीके से आपके बेली फैट को कम कर सकता है ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें इन दोनों एक्सरसाइज़ को देख लिया आपने बस आपको ये वाला वीडियो इसी तरह से फॉलो करना है आप अपना लंच और डिनर से पहले आप ग्रीन कॉफी लीजिए आधा घंटा पहले आप डाइट थोड़ा इस तरह से कीजिए आपको ज्यादा नहीं करना है आप 10-15 दिन ट्राई करोगे ना 10-15 दिन में आपको रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा 10-15 दिन में आप काफी सारा वेट लॉस कर सकते हो अगर आपने मेरा आज का वीडियो फॉलो कर लिया तो और उसके बाद इसको आप कंटिन्यू करो एक महीना डेढ़ महीना आप अपना मन फिगर पा सकते हो आपकी बेनीफेट बिल्कुल गायब हो जाएगी बस इतना अगर आपने कर लिया और जो एक्सरसाइज बता दिया इसको सुबह पांच मिनट शाम पांच मिनट के लिए आपने थोड़ी बहुत अगर कर ली दिन पचास पचास की काउंटिंग में अगर आपने कर लिया तो आप देखोगे बहुत ही तेजी से आपका लोअर जो बेली का फैट होता है पेट जो निकला हुआ सा होता है काफी लोगों की फिगर सही होती है पेट निकला हुआ सा होता है तो इस प्रॉब्लम इस से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जो लोग वजन भी घटाना चाहते हैं काफी वजन है उसको कम करना चाहते हैं तो आप वजन कम करने के लिए भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हो और ग्रीन कॉफी को पी सकते हो जो कि आपके वजन को कम करने में वेट मैनेजमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं शेयर करती रहूंगी तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा -टा।